15 दिन पूर्व राया के गांव ब्योही में बच्चे की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी तो नहीं पकड़े, लेकिन बालक के परिजनों पर ही थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में बालक के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। गौरतलब है कि मथुरा की हंसराज कॉलोनी का रहने वाला 8 वर्षीय चिराग अपनी माँ के साथ गांव ब्योही राया स्थित अपनी बुआ के यहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। 19 जनवरी को बाहर खेलता चिराग अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 27 जनवरी को 8 वर्षीय चिराग का शव गांव के पास ही एक पोखर में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां उसकी गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। अब सवाल यही था कि आखिर इस मासूम की हत्या भला कोई क्यों करेगा। बहरहाल इस मामले में परिजनों द्वारा गांव के ही प्रधान के विरुद्ध तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय मृत बालक के परिवारी जनों को ही उठाना शुरू कर दिया और उन्हें थर्ड डिग्री दी गई और मजबूर किया गया कि वो चिराग की हत्या का आरोप अपने ऊपर लें। इस बात की शिकायत लेकर चिराग के माता पिता आज SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से इलाका पुलिस की शिकायत की। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने मल्टी न्यूज को भी जानकारी दी। बताएं, आपका बच्चा था? मेरा बच्चा था, 18 तारीख को शादी में आए थे हम, सादाबाद मैरिज होम में शादी थी। 19 को गांव ब्योही चले गए अपनी बहन जी के वहाँ। 19 तारीख को 10 बजे करीब मैं और मेरा भांजा मंदिर पर खेत पर चले गए। उसके बाद में 11:30-11:30 के बीच में बच्चा घर था, मम्मी से अपनी से बोल के मैं पापा के पास मंदिर जा रहा हूँ, और वो मंदिर की कह करके उनके पास से चला गया। उसके बाद में नहीं तो वो मंदिर पर पहुँचा है और ना ही वो घर भी वापस आया। बीच में से बच्चे को उठा लिया, 9 दिन तक उसकी काफ़ी तलाश की, जहाँ जहाँ जिस किसी ने बताया वहाँ हम गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 9वें दिन उसकी डेड बॉडी गांव पोखर में मिली, गांव के ब्योही के गांव के पोखर में मिली, और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर सकी है। मेरे भांजे निर्दोष हैं, उनको भी पकड़ के 4-5 दिन से उसकी रिमांड ली जा रही है। उसको सर छोड़ दिया जाए, वो बिल्कुल बेकसूर है, निर्दोष है। गब्बर सिंह, तो क्या पुलिस ने आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया? परिजनों के साथ मेरे रिश्तेदारों के साथ किया, और मेरा एक भांजा है उसको बुलाओ। क्या तेरे साथ में? आपके साथ भी कोई बदतमीजी की? नहीं, मेरे साथ में क्यों ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? क्या कहती है पुलिस? पैसे के बल पे दूसरे जिसको मतलब जो जिस आदमी आई आप आगे आई जिस आदमी पर हमें शक है, उस आदमी को पैसे के बल पर पुलिस ने छोड़ दिया है, और अभी तक उसका नाम ले रहे हैं तो उसके पास नहीं जा रही है पुलिस, और परिजनों को परेशान कर रही है। पैसे उसने पैसा दिया है पुलिस को, पैसे के दम पर उसको नहीं उठा रही है पुलिस। कौन है वो? गांव का मतलब पूर्व मतलब गांव का वर्तमान प्रधान है और दबंग आदमी है, रामवीर सिंह। तो आपके पक्ष किसको उठा लिया पुलिस ने? हमारे पक्ष को हमारे मतलब लड़के के भाई को ही उठा लिया है। अच्छा, क्या आरोप लगाया? क्या आरोप लगाया बताओ। आपको 11:30 बजे उठाए थे बाबूजी हम, आप हाँ और मेरा भाई, और दोनों को उठाकर 12 बजे से लगभग 3:30-3 बजे तक हमको टॉर्चर किया गया, नंगा किया गया। बहन बेटियों को लाया जाएगा और नंगा करके जब आप कबूल करोगे कि ये केस आपने ही किया है, इस तरीके से उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। अच्छा, हाँ, आप कौन लगते हो? बच्चे के कौन लगते हो आप? बच्चे के मैं भाई लगता हूँ। भाई लगते हो? तो आप क्या आरोप लगा रही थी पुलिस? पुलिस लगा रही थी कि आपका भाई का नेचर बताओ कैसा है। मैंने कहा बाबूजी सब अपने भाई का नेचर तो सही बताएंगे, गांव जाके पूछो कि गलत है कि सही है। कोई भी आदमी अगर कह दे तो वो हमारी कतई नहीं सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, अब आप ये बताओ मुझे, आप बताओ कि अब आप अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने किया है कि हम अभी फोन कर रहे हैं उन पर और तुम्हारे भांजे को छुड़वा रहे हैं, ये बोला है कप्तान साहब ने। तो आप जा रहे हो वापस? अब वापस जा रहे हैं थाना। ठीक।